Hello students, in this video lecture we will discuss about the medical termination of the pregnancy. In the short form it is called MTP. Now this medical termination of pregnancy, it is also called induced abortion. Now induced abortion ka matlab yahan pe kya ho gaya ki दो टाइप के यदि मैं अबॉर्शन आपके साथ में डिस्कस करता हूं, सो एक कौन सा हो गया, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस, ठीक है, और सेकंड कौन सा हो गया इंड्यूस्ड, ठीक है। अबॉर्शन का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म, ठीक है। अब स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हो गया, दैट इज द नेचुरल, ठीक है, नेचुरल मिसकैरेज भी इसको बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी इसको बोलते हैं कि अपने आप हो गया, नेचुरल तरीके से हो गया, इसमें बाहर से कोई भी मेडिकेशन या कोई भी वी कैन से वेरियस हॉर्मोन्स या वी कैन से जो सर्जिकल जो प्रोसीजर है वो यहां पर फॉलो नहीं किया गया है, ठीक है। एंड जो स्पॉन्टेनियस जो भी अबॉर्शन होते हैं, काफ़ी सारे अबॉर्शन ऐसे होते हैं जिसमें फीमेल को मालूम भी नहीं चलता है कि अबॉर्शन हो गया है, ठीक है, इवन जो मेंसेस होते हैं उस ड्यूरेशन में भी मालूम नहीं होता कि देर वाज ए प्रेगनेंसी एंड इट इज़ दी अबॉर्शन, ठीक है। अब यहाँ जो हमारा डिस्कशन है दैट इज अबाउट दी इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड का मतलब क्या होगा, जानबूझ के, इसका मतलब दैट इज दी वॉलेंट्री और वी कैन से इंटेंशनल और वी कैन से विलफुल, that is the termination of the pregnancy before the full term, this is called MTP or also called induced abortion. इतना ठीक है, क्यों करते हैं willful abortion या we can say voluntary abortions or you can say intentional abortions, उसको discuss करेंगे, what are the various reasons and what is the act, ठीक है। So induced abortion है, इसको हम बोल सकते हैं that is the intentional और वी कैन से वॉलंट्री और वी कैन से विलफुल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म before full term, this is called medical termination of pregnancy or induced abortion, ठीक है। यदि हम यहाँ पे कुछ जो डाटाज हैं उनकी बात करें कितने अबॉर्शन होते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि अप्रोक्स ये बोल सकते हैं 45 to 50 million induced abortion or you can say MTPs they are performed every year, ठीक है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि जो 5 pregnancies होती हैं, 5 conceived pregnancies होती हैं, उनमें से एक का क्या होता है, अबॉर्शन होता है, ठीक है। तो 45 to 50 million का मतलब ये हो गया कि 1/5 इट इज दी यू कैन से इंड्यूस्ड अबॉर्शन रेट आउट ऑफ द टोटल नंबर, 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ conceived pregnancies in a year, ठीक है। तो डाटा का जरूर याद रखना, ठीक है, बोर्ड में डाटा नहीं पूछेंगे लेकिन कॉम्पिटिशन में स्टेटमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। सो 45 to 50 million MTPs पर ईयर, इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल जो कंसीव्ड प्रेगनेंसी होती हैं उसमें से जो 1/5 हो गया वो क्या होते हैं, दीज आर दी MTP और दी इंड्यूस्ड अबॉर्शन जो जानबूझ के करवाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि इतने सारे अबॉर्शन हो रहे हैं, कितने 45 to 50 million इंड्यूस्ड अबॉर्शन पर ईयर, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी इंड्यूस्ड अबॉर्शन होते हैं उसमें कहाँ पे है, इसका रोल कहाँ पे आएगा, इसका एक सिग्निफिकेंट रोल कहाँ पे है, इन दी डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो 45 to 50 million काफ़ी होते हैं, इसका मतलब इतनी पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज नहीं हुई है एवरी ईयर, ठीक है, लेकिन इसका रोल जरूर है किसके अंदर, पॉपुलेशन को डिक्रीज करने के लिए, लेकिन क्या ये जो MTP है इसके लिए बनाया गया था,
कि एमटीपी यदि इंड्यूस अबॉर्शन होगा तो पॉपुलेशन कम होगी, इसके लिए तो नहीं बना था ये, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, काफ़ी यू कैन से लॉट ऑफ ईयर्स तक ये एक बिल्कुल एक वी कैन से यहाँ पे एक डिबेट होती रही कि इसको एक्सेप्ट करें या लीगलाइज करें, कि लीगल वहाँ पे कोई एक्ट बने, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी सारी जो कंट्रीज थी वहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज इन्वॉल्व थे, ठीक है। कुछ इमोशनल इश्यू थे, ठीक है, जैसे मदर का एक इमोशनल वहाँ पे कनेक्टिविटी हो जाती है, ठीक है, जो भी वहाँ पे फीटस डेवलप हो रहा है, ठीक है। इथिकल भी होते हैं, ठीक है, कुछ रिलीजियस भी होते हैं, सोशल इश्यूज भी होते हैं, ठीक है, जैसे फीमेल फर्टिसाइड वगैरह है, तो काफ़ी सारे जो होते हैं वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी, ठीक है। तो ये काफ़ी सालों तक डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ये डिबेट चलता रहा कि जो एमटीपी है उसको एक्सेप्ट करें या उसको लीगलाइज करें कि नहीं करें, ठीक है। तो काफ़ी सारे वहाँ पे इश्यूज इन्वॉल्व थे, इसीज में इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज वहाँ पे इन्वॉल्व थे, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं किसकी, हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। तो इंडिया में क्या हुआ कि जो एक्ट था दैट इज़ कॉल्ड एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट, ठीक है। तो जो भी इंड्यूस्ड अबॉर्शन था उसको क्या कर दिया, लीगलाइज कर दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ कंडीशंस वहाँ पे नहीं रखी, यदि कंडीशंस नहीं होती तो काफ़ी सारे लोग हैं वो क्या करवा लेते, अबॉर्शन करवा लेते। यदि मालूम चलता कि यहाँ पे जो फीटस वो फीमेल है, सो इट कुड लीड टू दी लॉट ऑफ फीमेल फेटिसाइड्स, ठीक है। अब वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने क्या किया, इन्होंने लीगलाइज कर दिया, ठीक है। किसको लीगलाइज कर दिया, इंड्यूस्ड अबॉर्शन को, ठीक है। कौन से ईयर में, इन द ईयर 1971, ठीक है। तो 1971 में क्या हुआ, सबसे पहले जो एक्ट था कौन सा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ठीक है। लेकिन लीगलाइज किया, लेकिन साथ में विद स्ट्रिक्ट कंडीशंस, ठीक है। कौन सी कंडीशंस थी उसको डिस्कस करेंगे अभी, विद स्ट्रिक्ट कंडीशंस, और कंडीशंस क्यों लगाई, ताकि क्या नहीं हो, उसका मिसयूज ना हो, टू अवॉइड इट्स मिसयूज, इतना ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे क्या थे, काफ़ी सारे ऐसे रिपोर्टेड वहाँ पे थे कि जो फीमेल फिटिसाइड थे काफ़ी इलीगल तरीके से क्या हुआ थे, फीमेल फिटिसाइड हो रहे थे, क्योंकि कोई एक्ट था नहीं पहले, ठीक है। तो जो भी लोग थे वो क्या कर रहे थे कि सेक्स का मालूम करवा लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल एमनियोसेंटेसिस से, ठीक है। और काफ़ी बात तो अल्ट्रासाउंड के बाद में मालूम चल जाता है कि जब जो ऑर्गन्स हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे केस ऐसे थे जहाँ पे क्या हो गया, जहाँ पे फीमेल फिटिसाइड के इलीगल तरीके से काफ़ी सारे केसेस वहाँ पे आने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो जो भी रेस्ट्रिक्शन थे, जो भी स्ट्रिक्ट कंडीशन थी, वो जरूरी थी। वाई दे वर इम्पोर्टेंट, बिकॉज टू चेक द इनडिस्क्रिमिनेट एंड द इलीगल फीमेल फिटिसाइड, जो उस टाइम पे इंडिया के अंदर काफ़ी हाई केसेस वहाँ पे क्या हो रहे थे, रिपोर्ट हो रहे थे, ठीक है। तो उसका ये भी वहाँ पे रोल आता है कि क्यों इंपॉर्टेंट था, इतने रेस्ट्रिक्शंस क्यों जरूरी थे, टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फिटिसाइड, ठीक है। अभी भी मिसयूज होता है इसका, डिस्कस करेंगे जब आपको काफ़ी सारी कंडीशंस इसमें मालूम चलेंगी, तब आपको मालूम चलेगा कि इसके अंदर जो मिसयूज है वो कैसे होता है, इतना ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो क्या है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन है, वॉलेंट्री है, विलफुल अबॉर्शन होता है, ठीक है, या विलफुल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है बिफोर द गेटिंग द फुल टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे कि हम डिस्कस करेंगे 1971 का जो एक्ट था, ठीक है, और ये जो एक्ट था ये टाइम टू टाइम अमेंड होता रहा है, इतना ठीक है। तो इसका जो इंटेंशन था, ठीक है, कि एमटीपी का जो इंटेंशन था सबसे पहले उसको लीगलाइज करने का, वो लीगलाइज क्यों था, क्योंकि इंटेंशन क्या थी, इंटेंशन थी टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द इलीगल अबॉर्शन, ठीक है, क्योंकि नंबर इतने इंक्रीज हो रहे थे वहां पे, ठीक है, जिससे क्या हो गई थी जो मैटरनल मोर्टलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि जो भी अबॉर्शन करने वाले थे, ठीक है, वो बिल्कुल से उनके पास में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है, अनक्वालिफाइड वहाँ पे चेक्स थे, क्वैक्स थे वहाँ पे,
ठीक है, तो काफ़ी सारी क्या थी, जो मदर थी उनकी डेथ थी वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, तो इंटेंशन क्या था, इंटेंशन वॉज बिहाइंड दिस एक्ट दैट इज़ टू कर्ब द इंक्रीजिंग केसेज ऑफ द इलीगल अबॉर्शन एंड कॉन्सिक्वेंट क्या थे, जो मैटरनल मोर्टिलिटी और जो मॉर्बिडिटी रेट थी वो क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो उनके जो इंसिडेंट थे उनको कर्ब करने के लिए, उनको चेक करने के लिए थी जो एक्ट था वो क्या हुआ था, वहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो एक्ट है जिसको 2017 के अंदर अमेंड किया गया था उसे में सारी कंडीशंस वहाँ पे होंगी। तो ऐसा नहीं कि वो कंडीशन 2017 में आई थी, पहले से वो कंडीशन थी, लेकिन 2017 में क्या चेंज किया गया था उसको हम एक डिस्कस करेंगे। बाकी सारी कंडीशन थी वो पहले से ही थी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ एमसीक्यू में आपसे पूछा जाएगा कि वहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन के अंदर इंड्यूस्ड अबॉर्शन हो सकता है लीगली, इलीगली नहीं, इलीगली तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के अंदर क्या हो सकता है, जिस कंडीशंस के अंदर जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का वो हो सकता है। तो वही ग्राउंड यदि एग्जिस्ट करेंगे तभी क्या होगा, तभी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कि हाँ वी कैन से अबॉर्शन हो सकता है, वो भी किस में, वो भी यू कैन से कोर्ट की परमिशन वहाँ पे रिक्वायर होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करें कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं। ठीक है, आपसे बोर्ड में पूछ सकते हैं कि जो एमटीपी है उसके ग्राउंड्स क्या क्या हैं, क्या रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे। तो यहाँ पे जो ग्राउंड है ये एक्ट में भी इंक्लूड है, लेकिन पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एमटीपी एक्ट है उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो वेरियस ग्राउंड्स हैं उनमें जो पहला ग्राउंड है, ठीक है, उसमें क्या है, उसके अंदर यदि कोई अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं, ठीक है, गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। ठीक है, अब अनवांटेड प्रेगनेंसीज किन केस में हो सकती हैं, ठीक है, तो इसके अंदर अनवांटेड प्रेगनेंसी कि कपल है वो डिजायर नहीं कर रहा है कि प्रेगनेंसी हो, ठीक है, किन किन कंडीशंस में हो सकता है। पहला इसमें क्या कंडीशन है, फर्स्ट इज दी दैट इज दी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। ठीक है, यदि कोई भी वहां पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं किया है, ठीक है, और उस केस में प्रेगनेंसी हो गई है और जो कपल है वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। उसके अलावा सेकंड यहां पे क्या है, सेकेंड कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे थे लेकिन जो मेथड थे, क्योंकि डिस्कस किए थे काफ़ी सारी फेलियर रेट्स भी उसमें होती हैं, तो सेकेंड हो गया फेलियर ऑफ दी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इतना ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो थर्ड है, यहीं लिख देते हैं इसको, दैट इज द इन केस ऑफ रेप केसेस। ठीक है, तो यहां पे मेनली तीन यहां पे हो गए कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड इन रेप केसेस। ठीक है, अब यहां पे कंडीशन वहां पे क्या जोड़ दिया कि इन तीनों ही कंडीशन में जो फॉर एग्जांपल ए और बी वाले केस में जो फीमेल होगी या जो कपल होंगे दे आर नॉट वांटिंग दी प्रेगनेंसी, ठीक है, रेप के केसेस में, ठीक है, तो वहाँ तो वैसे ही ग्राउंड वहाँ पे वैलिड हो जाता है। तो तीनों ही केसेस में, ठीक है, यदि प्रेगनेंसी होती है, मैं कंडीशन आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, तीनों ही केस में यदि प्रेगनेंसी होती है दैट कैन लीड टू दी मेंटल, यू कैन से मेंटल एबनॉर्मेलिटी इन दी फीमेल। ठीक है, वो कहाँ पे जो मेंटल हेल्थ है वहाँ पे कुछ रिस्क वहाँ पे हो सकता है, मेंटल हेल्थ है वो इररेगुलर हो सकती है, रिटार्ड हो सकती है। ठीक है, तो ये वहाँ पे क्लोज वहाँ पे जोड़ दिया कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है यदि उससे यदि प्रेगनेंसी होती है, या फेलियर हो गया कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड उससे यदि प्रेगनेंसी होती है, या रेप केसेज में प्रेगनेंसी हो, तीनों ही केस में क्या होगा कि जो मदर की जो मेंटल हेल्थ है, ठीक है, तो मदर की हेल्थ पे क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी मदर चाहती नहीं है, फीमेल चाहती नहीं है, फिर भी यदि प्रेगनेंसी होती है तो वहाँ पे उसके दिमाग में क्या हो जाती है, टेंशन हो जाएगी उसमें, तो मेंटल वहाँ पे इलनेस हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वहाँ पे एक ग्राउंड बन जाता है कि कंटिन्यू रहेगा यदि प्रेगनेंसी, सो इट कैन लीड टू ए रिस्क
ठीक है। रिस्क कैसा, वहाँ पे फिजिकल हेल्थ में भी क्या हो सकता है कि रिस्क हो सकता है, और जो मेंटल हेल्थ है उसमें भी रिस्क हो सकता है। इतना क्लियर हो गया। तो इसके अंदर आपको जरूर याद रखना है कि इस केस में, क्योंकि तीनों ही केस में क्या हो सकता है, तीनों ही केस में यदि प्रेगनेंसी कॉन्टिन्यू रहती है, यू कैन से कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसीज, इससे क्या होगा, इट इन्वॉल्व ए रिस्क टू लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, और वी कैन से और ऑफ ग्रेव इंजरी, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है, मेंटल हेल्थ। इतना ठीक है। सो एक यहां पे क्लोज क्या हो गया कि यदि कंटिन्यू रहेगा तो वहां से जो मदर की जो लाइफ है उसके ऊपर क्या हो गया, रिस्क हो गया, ठीक है। तो फिजिकल हेल्थ है उसके ऊपर भी ग्रेव, यू कैन से डेंजर हो गया, और जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर भी क्या हो गया, ग्रेव डेंजर हो गया, ठीक है। तो क्लोज आपको जरूर ध्यान में रखने हैं कि ये जो वहां पे डिफरेंट, चाहे केस कोई भी हो, उसका सबका लास्ट में क्या है, दो वहां पे आपको लास्ट में ग्राउंड याद रखना है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो, चाहे वो फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो, चाहे वो रेप केसेस हो, ठीक है, या बाकी कोई अबनॉर्मलिटी हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मालूम चल गया कि इसको डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, और कोई इसमें, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एंजाइम में, यू कैन से वहां पे अबनॉर्मलिटी है, तो किसी भी केस में लास्ट में क्या होगा, लास्ट में दो क्लोज हमेशा दिमाग में याद रखो। पहला क्लोज क्या है, पहला क्लोज ये है कि जो यदि कंटिन्यूएशन रहेगा प्रेगनेंसी का, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होगा उसकी हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ और उसके मेंटल हेल्थ में ग्रेव डेंजर है और उसके लाइफ को खतरा है, पहला क्लोज। सेकंड ये है कि यदि जो चाइल्ड है यदि वो पैदा होता है और उसमें क्या हो सकता है, कुछ मेंटल या फिजिकल उसमें अबनॉर्मलिटी हो सकती है, या वो सीरियसली हैंडीकैप्ड हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा, लास्ट के दोनों क्लोज याद रखो, उसी केस में क्या होता है, यही ग्राउंड होते हैं किसके, टर्मिनेशन ऑफ दी प्रेगनेंसी के, ठीक है। मेंटल हेल्थ उसकी गड़बड़ हो गई, फिजिकल हेल्थ उसकी गड़बड़ हो गई, ग्रेव डेंजर है, लाइफ थ्रेट है किसको, माँ को भी और बच्चे को भी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर क्या होगा कि जो भी रजिस्टर्ड जो भी मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, यदि उनको लग गया कि यदि बच्चे को खतरा है या माँ की लाइफ को खतरा है, या यदि बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो वो हो सकता है फॉर एग्जांपल हैंडीकैप पैदा हो, या उसका जो फिजिकल हेल्थ है वो सफ़र करेगा, जो मेंटल अबनॉर्मलिटी है वो वहाँ पे होगा, मेंटल हेल्थ सफ़र करेगा, तब क्या होता, तब वो अप्रूव करते हैं कि नाउ दैट पर्टिकुलर फीमेल कैन प्रोसीड टू द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी और द इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इतना क्लियर हो गया। सो दोनों क्लोज आप जरूर याद रखो। तो मेन क्लोज यहां पे कौन सा हो गया, मेन क्लोज एक तो ये हो गया, तो यहां पे क्या हो गया, मदर की जो हेल्थ है फिजिकली और मेंटल हेल्थ, वहां पे ग्रेव इंजरी हो सकती है, ग्रेव डेंजर है वहां पे, और उसके जो लाइफ है वो रिस्क पे है, ठीक है। तो मेंटल जैसे ऊपर वाला है तो उसमें क्या, उसमें मेंटल हेल्थ है तो वो जरूर ध्यान में रखना है, तो वहां पे अबॉर्शन हो सकता है, फॉर एग्जांपल रेप केसेस में, तो वहां पे क्या मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होगा, चाहे फिजिकल हेल्थ पे ना हो, ठीक है। तो जहां मैंने क्या लिखा है वहां पे मैंने और लिखा है, ठीक है, दोनों वहां पे क्लोज नहीं कि दोनों जरूरी हैं, दोनों में से एक भी हो गया तब भी क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। सेकंड क्या है, सेकंड वहां पे रिस्क है, क्योंकि यहां पे मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जो आपके पास में जो पुरानी एनसीईआरटी होगी उसमें नहीं दे रखा है, यदि आपके पास में नई एनसीईआरटी है तो वहां पे जो नया वाला एक्ट है उसके बारे में दे रखा है, ठीक है। तो सेकंड वहां पे क्या है, सेकंड फर्स्ट डिस्कस कर लिया कि जो मदर है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसके ऊपर क्या ग्रेव डेंजर है। सेकेंड क्या है कि वहां पे देर इज ए रिस्क, देर इज ए सब्सटैंशियल रिस्क। रिस्क क्या है कि यदि दैट ऑफ द चाइल्ड बोर्न, यदि बच्चा पैदा होता है तो उस केस में क्या होगा, तो चाइल्ड है, इट वुड सफर फ्रॉम such physical or mental
अबनॉर्मिलिटी, अबनॉर्मिलिटी एज टू बी सीरियसली हैंडीकैप्ड। इतना ठीक है। तो आपसे पूछता है ग्राउंड क्या क्या है, तो ग्राउंड क्या लिखोगे, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इवन इन रेप केसेस, एंड आल्सो फोर्थ वन द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल। हार्मफुल किसके लिए, मदर के लिए भी हार्मफुल और किसके लिए, फीटस के भी, ठीक है, या दोनों के लिए भी, दोनों के लिए भी हार्म हो सकता है, मदर के लिए अकेले के लिए भी डेंजर हो सकता है, बच्चे अकेले के लिए भी डेंजर हो सकता है, लेकिन हर केस में क्या हो सकता है, वो अबॉर्शन का एक ग्राउंड वहां पे बन जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है, तो ग्राउंड क्लियर हो गया होगा। ये किस में दिया हुआ है ग्राउंड, ये ग्राउंड दिए हमें किसके अंदर, एमटीपी एक्ट के अंदर। इतना ठीक है। अब यहां पे देखिए जो एमटीपी एक्ट है, दिस एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जरूर ध्यान रखना है, फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना है, ठीक है, एंड दिस इज द अमेंडमेंट, दिस इज द अमेंडमेंट एक्ट 2017। तो सभी में ग्राउंड तो सभी में दिए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा इनेक्ट क्यों किया गया था, जो एमटीपी एक्ट है वो इनेक्ट क्यों किया गया था, ठीक है, क्योंकि इंटेंशन क्या थी, इस एक्ट की इंटेंशन क्या थी, कि एक तो हमने डिस्कस किया था कि जो इसका वी कैन से काफ़ी सारे वहाँ पे इलीगल फीमेल फर्टिसाइड हो रहे थे, तो उसका चेक करना एक तो वो वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन मेन जो इंटेंशन थी बिहाइंड द गवर्नमेंट, वी कैन से दैट इज इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग, इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शंस, ठीक है, और काफ़ी सारे जो फीमेल फर्टिसाइड थे तो इलीगल अबॉर्शन काफ़ी सारे केस उसके बढ़ रहे थे, ठीक है, इलीगल अबॉर्शन एंड कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी, ठीक है। तो दो यहां पे मेन कौन सा हो गया, एक तो क्या रिड्यूस करना, मैटरनल मोर्टिलिटी, फॉर एग्जांपल जो एमएमआर, जो एमएमआर था, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, दूसरा मोर्बिडिटी। मोर्बिडिटी का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल जो फीमेल थी दैट वाज सफरिंग फ्रॉम कोई पर्टिकुलर डिजीज या मेंटल इलनेस है, ठीक है, यू कैन से मेंटल अबनॉर्मिलिटी और कोई डिजीज थी, काफ़ी सारे केसेस हो रहे थे, ठीक है, तो उनको चेक करने के लिए क्या हो गया कि जो एमटीपी एक्ट है वो क्या किया गया था, इनएक्ट किया गया था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो गया, एक तो रिड्यूस द इंसिडेंट ऑफ द इलीगल अबॉर्शन फर्स्ट, ठीक है, सेकंड जो मैटरनल जो डेथ हो रही थी अबॉर्शन के टाइम पे उसको चेक करना, उसके अलावा जो मेंटल इलनेस थी उसको ठीक करना। इतना ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, इंटेंशन था। उसके अलावा इसमें ग्राउंड डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से ग्राउंड होंगे। अब यहां पे देखिए कि टाइम जो है कि कितने वीक तक प्रेगनेंसी है वो हो सकती है, ठीक है। अब वहां पे क्योंकि काफी बार कंपटीशन में पूछते हैं इस चीज को, जो ग्राउंड तो डिस्कस हो गया, ये तो इजी है, लेकिन जो यदि टाइम पीरियड की अपन बात करते हैं तो जो इंड्यूस्ड अबॉर्शन है तो वो सेफ कब तक है। सो एमटीपी जो है वो सेफ कब तक है, इट इज सेफ जब कब करवाते हैं, ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब कितने वीक हो गए, वी कैन से 12 वीक्स और वी कैन से 3 मंथ्स। सो 3 मंथ्स तक क्या होगा, 3 मंथ्स तक जो इंड्यूस्ड अबॉर्शन है दैट आर सेफ फॉर द फीमेल, ठीक है। लेकिन जो सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है, ठीक है, थर्ड मंथ के बाद में जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, रिस्की होते हैं, ठीक है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर मच मोर रिस्की, क्योंकि काफ़ी सारे बाद में डेवलपमेंट होने लग जाते हैं, काफ़ी सारे ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो काफ़ी सारे वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, डिस्कस करते हैं वहाँ पे, करेंगे भी थोड़ी देर में कि कैसे वहाँ पे अबॉर्शन करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो वहाँ पे जो एक्ट था
तो एक्ट में वहां पे क्या बताया गया कि जो अबोर्शंस हैं वो तो कुछ ग्राउंड्स के ऊपर क्या हो गए, लीगल हो गए, लेकिन वहां पे क्या बताया गया, वहां पे ये बताया गया कि जो अबोर्शंस हैं यदि वो फर्स्ट 12 वीक्स में करवाए जाते हैं, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो अबोर्शंस होते हैं जो सेफ हैं वो कुछ ग्राउंड होंगे, तो उस ग्राउंड में क्या होगा, वहां पे ओपिनियन किसका चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट 12 वीक्स में अबोर्शन करवाने के लिए जो एक रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, जो एक रजिस्टर्ड मेडिकल जो डॉक्टर होता है, उसका ओपिनियन जरूर चाहिए वहां पे, कि एक डॉक्टर जरूर बोले फर्स्ट 12 वीक्स के लिए कि हाँ भैया कुछ ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे अबोर्शंस करवा सकते हैं। लेकिन यदि मोर देन 12 वीक्स हो गया है, 12 वीक से ज्यादा यदि प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो गई है, तो वहां पे उस टाइम पे कि वहां पे दो डॉक्टर्स का ओपिनियन जरूरी है, कि दोनों डॉक्टर ये बोलेंगे कि हाँ भाई अबॉर्शन करवा सकते हैं, थोड़ा रिस्की जरूर लेकिन कर सकते हैं, वहां पे डेथ नहीं होगी फीमेल की, तो वहां पे उसी ड्यूरेशन में क्या होगा, उसी जो वहां पे ओपिनियन है उसी बेसिस पे क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। इतना क्लियर हो गया। तो ये जो था टाइम पीरियड कौन सा, 2017 में इसको इंक्रीज किया गया था। पहले कितना था, पहले 20 वीक्स था ये, लेकिन बाद में जो एक्ट था 2017 का उसमें क्या हो गया, उसके अंदर इसको इंक्रीज कर कितना कर दिया, 24 वीक्स कर दिया। जो काफ़ी सारे केस वहां पे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के पास में कि यू कैन से 20 वीक्स के बाद में भी क्या हो गया कि वहां पे प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो रही है, काफ़ी सारे केसेस आने लग गए, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया कुछ ऐसा बनाओ, एक्ट बनाओ, इंप्रूव करो उसको। ठीक है, तो यहां पे इतना याद रखिए कि 12 वीक्स तक अबोर्शन करवाने के लिए कितने डॉक्टर्स का ओपिनियन चाहिए। ठीक है, तो इसको किसका ओपिनियन चाहिए, ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है MCI, उसके अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई झोला छाप आ गया उसका ओपिनियन ले लिया। ठीक है, ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, उसके बाद में 12 वीक से लेकर के 24 वीक्स तक। ठीक है, मोर देन 12 वीक्स एंड लेस देन 24 वीक। 24 वीक से तो ऊपर के बाद में तो अबॉर्शन होता ही नहीं है, क्योंकि तो हमने डिस्कस किया था कि प्री मेच्योर डिलीवरी होती है, तो वहां पे 6 to 7 मंथ का तो बच्चा वैसे सर्वाइव कर देता है। ठीक है, तो वहां पे फिर ग्रेव डेंजर हो जाता है, मदर की डेथ होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, तो इसलिए 12 वीक्स, 24 वीक्स के बाद में तो अबॉर्शन होता नहीं है। तो यहां पर किसका ओपिनियन चाहिए, ओपिनियन ऑफ टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, दो डॉक्टर्स की सहमति चाहिए, तभी क्या हो सकता है, तभी अबॉर्शन हो सकता है। किस केस में, मोर देन 12 वीक्स एंड लेस देन 24 वीक्स। इतना क्लियर हो गया। तो दो डॉक्टर्स बैठ के ये बोलेंगे, कुछ ग्राउंड होंगे, हाँ भी ग्राउंड भी ठीक है, ठीक है, और इसमें अबॉर्शन करना सेफ है, तभी अबॉर्शन हो पाएगा, दोनों डॉक्टर की सहमति होगी तब। ठीक है, और 12 वीक तक का है, तब एक ही डॉक्टर का ओपिनियन ठीक है, यदि ग्राउंड से वो सेटिस्फाई है कि हाँ भाई ये ग्राउंड्स हैं, तो वो देखेगा कंडीशन, मदर की कंडीशन देखेगा, कुछ ग्राउंड्स देखेगा, ग्राउंड ठीक है, वो उसके ओपिनियन में यदि ठीक है अबॉर्शन करना, तो वो अपना क्या द अप्रूवल देगा, तभी क्या हो सकता है, अबॉर्शन वहां पे हो सकता है। इतना ठीक है। तो ये तो होगा कुछ एक्ट की बात, कि एक्ट में इंटेंशन क्या थी गवर्नमेंट की, कौन कौन से ग्राउंड हैं और टाइम पीरियड कितना है, कितने वीक तक अबॉर्शन हो सकता है, सेफ कब तक है, सेफ कब तक है, 12 वीक तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, 3 मंथ तक ही अबॉर्शन क्या है सेफ है, उसके बाद में धीरे धीरे रिस्क है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिस्क मैंने कौन सा बता दिया, जो सेकंड ट्राइमेस्टर का है, वो सारे के सारे क्या हो गए, अबॉर्शन क्या हो गए, वो रिस्की हो गए। उसके अलावा एक ट्रेंड क्या देखा गया, एक ट्रेंड ये देखा गया कि काफी सारे जो अबॉर्शन होते हैं, वो अबॉर्शन क्या होते हैं कि वो इलीगली होते हैं। ठीक है, और जो इलीगली होता है वो कौन करता है, वो क्वालिफाइड तो मेडिकल प्रैक्टिशन होता नहीं है, अनक्वालिफाइड होते हैं। ठीक है, सो अनक्वालिफाइड जो करेंगे, तो एक तो क्या होगा कि मदर की जो हेल्थ है उसके ऊपर काफी डेंजर हो गया, तो वो अनसेफ हो जाते हैं। ठीक, अनसेफ तो होते ही होते हैं, साथ में क्या होता है, वो कई बार क्या होती है, उसमें मदर की डेथ भी हो जाती है, इतना सीवियर ब्लीडिंग हो जाता है उनके पास में, क्योंकि वो जल्दीबाजी में कर देते हैं, एक्सपीरियंस होता नहीं है उनके पास में, अनक्वालिफाइड होते हैं, तो काफी सारे केसेस वहां पे आने लग गए वहां पे। ठीक है,
अपार्ट फ्रॉम दिस कि एक और ट्रेंड देखा गया, क्योंकि मान के चले कि मदर को कोई डिजीज है, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है, ठीक है, और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर यू कैन से बच्चे में पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एमनियोसेंटेसिस करना पड़ेगा, और एमनियोसेंटेसिस से बच्चे का जो सेक्स है वो मालूम चल जाता है। तो उस केस में क्या हो गया कि मान के चले कि मदर को कोई डिसऑर्डर है और बच्चे को ना भी हुआ हो, लेकिन मालूम चल गया कि ये क्या फीमेल है, तो उसमें केस किसके बढ़ जाते हैं, उसमें फीमेल फिटिसाइड के केस बढ़ जाते हैं उसमें। इतना ठीक है, तो एमटीपी लीगल है, लेकिन एक यू कैन से बच्चे का सेक्स पता करना वो क्या हो गया, इलीगल हो गया। तो लीगल में क्या हो गया, एक और क्या हो गया, इलीगल चीज वहां पे हो गई। इसीलिए क्या किया, वहां पे एक और एक्ट वहां पे आता है, ठीक है, क्योंकि लार्ज स्केल एक्ट तो लीगल कर दिया, अबॉर्शन लीगल कर दिया, लेकिन फिर भी क्या थे, केस किसके आ रहे थे, लार्ज स्केल में फीमेल फिटिसाइड के केसेस वहां पे आ रहे थे। इतना ठीक है, और काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस वहां पे आ रहे थे, जैसे अनसेफ अबॉर्शंस हो रहे थे, क्योंकि अनट्रेड पर्सन थे, अनक्वालिफाइड थे। तो वहां पे क्या होगा, एक और वहां पे एक्ट था, कौन सा, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट, क्या बोलते हैं उसको, पीएनडीटी एक्ट बोलते हैं। सो पीएनडीटी एक्ट है वो क्या बोलता है कि आप जो भी दी अबॉर्शन मान के लिए वहां पे डॉक्टर का यू कैन से ओपिनियन लेने के लिए गए हैं वहां पे, तो उस केस में भी क्या नहीं कर सकते, जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो नहीं कर सकते। ये क्या है, इलीगल है, ठीक है, और इसमें आई थिंक नंबर ऑफ कितने, 7 years की मेरे हिसाब से क्या है वहां पे इम्प्रिजनमेंट है, जेल हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे आप कुछ पॉइंट्स हैं वो आप याद रखो कि एक तो वहां पे क्या हो गया कि इलीगल अबॉर्शंस वो भी किसके द्वारा, बाई अनट्रेंड पर्संस, और वी कैन से अनक्वालिफाइड पर्संस, क्योंकि ये क्या है, दीज आर अनसेफ एंड फैटल आल्सो, ठीक है, डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा एक और ट्रेंड क्या देखा गया कि मतलब ये तो एमटीपी लीगल करने के बावजूद भी काफी सारे केसेज हैं, अभी भी क्या थे, काफी सारे इलीगल अबॉर्शन केसेस बढ़ रहे थे, तो ये डिस्टर्बिंग एक ट्रेंड वहां पे इंडिया के अंदर देखने को मिला। एक और ट्रेंड क्या देखने को मिला कि जो, क्योंकि नॉर्मली जब सेकंड ट्राइमेस्टर के जो भी अबॉर्शन करते हैं तो वहां पे एमनियोसेंटेसिस जरूरी था, क्योंकि सेकंड जो ट्राइमेस्टर होगा उसमें क्या करेंगे, उसमें तभी, क्योंकि रिस्की हो गया, कब करेंगे, जब मान के चले कि मदर की हेल्थ को कोई नुकसान हो या कहीं से ग्रेव डेंजर हो, या बच्चा जो पैदा होगा उसमें कोई, पैदा होने के बाद में कोई सीरियसली हैंडीकैप हो, या वो फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी उसके अंदर हो, तो उसमें एमनियोसेंटेसिस करते हैं, ठीक है, और एमनियोसेंटेसिस कर दिया तो बच्चे का सेक्स भी मालूम चल गया, और उसमें क्या हो गया, फिर फीमेल फिटिसाइड के चांसेज बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो क्या हो गया, मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस, मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस, और मिसयूज होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि फीटस है, यदि फीमेल था, तो क्या हो गया, इट इज फॉलोड बाय फीमेल फिटिसाइड। इतना ठीक है, और ये जो प्रैक्टिस है, कौन सी प्रैक्टिस, एक तो कौन सा हो गया कि इलीगल जो भी कर रहे हैं अबॉर्शंस, जो भी अनट्रेंड पर्संस कर रहे हैं, एक तो वो वाला हो गया, एक एमनियोसेंटेसिस करने के बाद में जो सेक्स मालूम करना, और फीमेल फिटिसाइड बाद में करना, तो दोनों ही जो केसेस हैं ये अवॉइड करने चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो डेंजर है, किसको डेंजर है, कि जो मदर है उसको भी डेंजर होगा, ठीक है, और जो फीटस है उसको भी डेंजर होगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए क्या होगा कि देर शुड बी इफेक्टिव काउंसलिंग, किसके लिए, टू अवॉइड दी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, क्योंकि इलीगल अबॉर्शंस में ऐसा नहीं है कि सेफ हैं, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो ट्रेंड यहाँ पे चला रहा है, कौन सा, जो अनहेल्थी ट्रेंड चला रहा है, जहाँ पे काफ़ी सारे यू कैन से कि इलीगल अबॉर्शंस होते हैं, फीमेल फिटिसाइड वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, काफ़ी सारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो भी क्या करनी चाहिए, इनक्रीज करनी चाहिए, जिनसे क्या होगा, जो अनहेल्थी ट्रेंड चला आ रहा है वो क्या हो सके, रिवर्स हो सके, ठीक है। सो एज आई डिस्कस्ड अर्लियर हाउ टू रिवर्स दिस अनहेल्थी ट्रेंड, अनहेल्थी ट्रेंड में डिस्कस किया था हमने कि जो फीमेल फर्टिसाइड केस बढ़ रहे थे, मदर की डेथ के केस बढ़ रहे थे, ठीक है, क्योंकि इलीगल वहाँ पे हो रहे थे एंड विदाउट दी एनी ट्रेंड पर्सनस, तो वहाँ पे क्या हो गया, इफेक्टिव काउंसलिंग होना चाहिए,
ठीक है, टू अवॉइड दी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने चाहिए। उसके अलावा जो इलीगल अबॉर्शंस हैं उसमें कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व है उसके बारे में काउंसलिंग करनी चाहिए। उसके अलावा कि जहाँ पे अबॉर्शंस होते हैं वहाँ पे और ज़्यादा क्या होनी चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज होनी चाहिए। सो दीज आर दी सम ऑफ दी वी कैन से काउंसलिंग इफेक्टिव मेथड्स, जिससे क्या होगा कि जो भी वहाँ पे केसेस हो रहे हैं फीमेल फर्टिसाइड्स के, या जो मैटरनल मोर्टिलिटी या जो मॉर्बिडिटी है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए क्या होने चाहिए, कुछ मेथड्स वहाँ पे यूज़ करने चाहिए, जैसे काउंसलिंग वहाँ पे हो गया। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन जो है उस मेडिकल टर्मिनेशन में करते कैसे हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करें क्योंकि आपसे ये बोर्ड में नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो अबॉर्शंस होंगे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कैसे करते हैं, उसके बाद में सेकंड ट्राइमेस्टर का कैसे करते, थोड़ा सा अपन उसको ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द अबॉर्शंस ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको जल्दी वहां पे याद रहेगा। नाउ इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इंड्यूस्ड अबॉर्शन, यहाँ पे मेनली देर आर टू मेथड्स विच आर यूज्ड। पहला कौन सा है, मेडिकल मेथड्स, जिसमें क्या होते हैं काफ़ी सारे वी कैन से हॉर्मोन्स हैं या एंटी हॉर्मोन वो यहाँ पे इंड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ सर्जिकल मेथड्स भी हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, यदि अबॉर्शन करवाना है तो क्या करवाना पड़ेगा कि एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन हो गया, तो या तो वहाँ पे जो भी यूट्राइन एक्टिविटी है स्पेशली जो मसल्स है वहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन करवाना पड़ेगा, और कॉन्ट्रेक्शन कौन करवाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन करवाता है। ठीक है, तो मेडिकल मेथड में जो पहला क्या यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे मेनली दो टाइप यहाँ के यूज करते हैं, वन इज कॉल्ड मिसोप्रोस्टोल। ठीक है, जो यू कैन से जिस नाम से आता है सोल्ट के नाम से गेम प्रोस्ट, ये याद रखना जरूरी नहीं है लेकिन आप याद रखो प्रोस्टाग्लैंडिन। अब देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को एनहांस कर देगा। इसका मतलब जो भी वहाँ पे इम्प्लांटेशन है वहाँ वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वहाँ से उसका एक्सपल्जन होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेला काम करेगा, और भी वहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा क्या करेगा, जो सर्विक्स वहाँ पे है वहाँ पे धीरे धीरे क्या कर देगा, राइपनिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और ये जो है मिसोप्रोस्टोल की जो बात कर रहे हैं हम, ये क्या है, ये ओरली भी इसको यूज करते हैं, टेबलेट की फॉर्म में आता है, और इसको वेजिनली भी यहाँ पे एज ए सपोजिटरी और टेबलेट वहाँ पे वेजिनली भी यहाँ पे दोनों तरीके से काम करता है। ठीक है, सो मिसोप्रोस्टोल दोनों है, ये ओरली भी है प्लस ये वेजिनल टेबलेट भी है, लेकिन जो गेमप्रोस्ट है दिस इज ए वेजिनल सपोजिटरी, वेजिनल टेबलेट है। ठीक है, लेकिन काम दोनों एक ही करेगा, काम याद रखो क्या करेगा, एनहांस द यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन एंड इट विल कोज द सर्विकल रिपनिंग, इतना। ठीक है, अब एंटी प्रोजेस्टोन की बात करते हैं, तो एंटी प्रोजेस्टोन में अपने पास में क्या है, हमने कल भी डिस्कस किया था, क्या था वहां पे, क्या था, दिस इज कॉल्ड मिफेप्रिस्टोन, दैट इज आल्सो कॉल्ड फ्रेंच ड्रग, कौन सा नाम है इसका, RU486। दूसरा नाम क्या है इसका, दिस इज कॉल्ड मिफेप्रिस्टोन। ठीक है, क्या करेगा, एंटी प्रोजेस्टोन है, इसका मतलब क्या करेगा, किसके अगेंस्ट काम करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, जो प्रोजेस्टोन है उसका जो एक्शन है उसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। ठीक है, कहाँ पे करेगा, कि जो रिसेप्टर साइट है वहाँ पे क्या करेगा, ये कॉम्पिटेटिवली बाइंड करेगा। इसका मतलब प्रोजेस्टोन को बाइंड नहीं होने देगा और खुद बाइंड हो जाएगा, खुद बाइंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियम है वो धीरे धीरे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो सेल्स हैं धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और एंडोमेट्रियम क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ पे उसकी शेडिंग वहाँ पे उसकी होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ धीरे धीरे फिर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, इतना। ठीक है, सो जो डेसिडुआ जिसको हम बोलते हैं, किसको, आफ्टर द इम्प्लांटेशन दैट एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड डेसिडुआ। तो डेसिडुआ में क्या होगा, धीरे धीरे शेडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, तो धीरे धीरे बाद में क्या है कि अर्ली जो वीक्स होते हैं वहाँ पे ये जो मेथड्स हैं कौन से, प्रोस्टाग्लैंडिन और RU486, ये बिल्कुल अर्ली में जहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ उसके, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर सकता है, ये अबॉर्शन करवा सकता है। ठीक है, मैंने क्या बताया था इसको, मेंसेस इंड्यूसिंग पिल बताया था किसको, दिस RU486 आल्सो कॉल्ड मिफेप्रिस्टोन, इतना क्लियर हो गया। लेकिन क्योंकि फॉर एग्जाम्पल 9 वीक्स से ऊपर हो गया तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे उसके बाद में क्या होता है कि दूसरे जो मेथड्स हैं वो भी वहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, कौन से मेथड्स हैं, सर्जिकल मेथड्स हैं। ठीक है, तो मेडिकल मेथड्स में दो वहाँ पे अपने पास में क्या है, टेबलेट्स हैं, एक कौन सा हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन का टेबलेट, एक कौन सा हो गया एंटी प्रोजेस्टेरोन का, आल्सो कॉल्ड फ्रेंच ड्रग, दैट इज द RU486। ठीक है, आल्सो कॉल्ड मिफेप्रिस्टोन। दूसरा जो मेथड इज कॉल्ड सर्जिकल मेथड, वहाँ पे दो मेथड अपने पास में, वन इज कॉल्ड वैक्यूम एस्पिरेशन, जो सक्शन से क्या करेगा, जो भी वहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है
जो भी वहाँ पे वैकेंसी एम्ब्रियो है, ठीक है, या मान के चले कि जो वहाँ पे फीटस है आफ्टर द 8 वीक क्या बोलते हैं उसको, फीटस बोलते हैं, तो उसको क्या कर लेता है, वो एस्पायर कर लेता है, सक्शन से इसको बाहर निकाल लेता है। देखिए अब कैसे करता है, ठीक है, मान के चले कि यहाँ पे ये वहाँ पे वैकेंसी फीटस वहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ से एक ट्यूब वहाँ से डालते हैं थ्रू दी वजाइना, तो इससे क्या होगा, सक्शन इफेक्ट होगा, सक्शन से क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा कि वैकेंसी एक वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे एक कंपाउंड होता है, उसमें क्या होता है जो भी वहाँ पे फ्लूड होता है या जो भी वहाँ पे यू कैन से टिश्यूज होते हैं फीटस के, वो सक्शन से क्या कर लेते हैं, उसको बाहर कर लेते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम एस्पिरेशन, मतलब सक्शन हो गया सिंपल सी अपन बात करते हैं तो। दूसरा कौन सा हो गया, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। डायलेशन का मतलब क्या होगा, जितना सर्विक्स को डायलेट करेंगे उतना ही क्या होगा ईजी रहेगा, किसका, जो भी वहाँ पे प्रोडक्ट है, जो भी वहाँ पे फीटस है उसको बाहर निकालना उतना ही ईजी रहेगा। उसके लिए क्या यूज करते हैं, उसके लिए एक सीवीड है, दैट इज कॉल्ड लेमिनेरिया, दैट इज कॉल्ड लेमिनेरिया टेंट। लेमिनेरिया टेंट क्या है, इट इज ए सीवीड, ठीक है, ये सीवीड को यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले अल्कोहल में क्या करते हैं, इसको स्लाइस करके रखते हैं, अदरवाइज क्या हो जाएगा, यदि स्लाइस नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसको बाद में एक मैकेनिकल डाइलेटर की तरह यूज करते हैं, तो इसको इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट करने के बाद में क्या होगा, इसका पर्पज क्या, इसका पर्पज ये है कि ये क्या करता है, इट विल ड्रो द फ्लूड, जो भी यहाँ पे फ्लूड होगा इसको क्या करता है, वो ड्रो करेगा। जब फ्लूड ड्रो करेगा इसका मतलब क्या होगा, ये बड़ा होता रहेगा, जब भी इसका साइज, इसका डायमीटर बड़ा होगा, इसका मतलब जो यहाँ पे ये सर्विक्स है वो क्या होगा, ये डायलेट होता रहेगा। तो जो सर्विक्स है उसको क्या करता है, डायलेट करता है, उसको क्या बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, जिससे क्या होगा, जो जो भी इवैक्यूएशन का जो भी प्रोसीजर है वो क्या हो जाता है, बाद में इजी हो जाता है। इतना ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज दी वी कैन से डायलेशन एंड द इवैक्यूएशन, ठीक है। पहला कौन सा हो गया, जो वैक्यूम होगा सक्शन की हेल्प से क्या कर लेते हैं, जो भी वहाँ पे प्रोडक्ट है, जो भी टिश्यूज है, उनको क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। इतना ठीक है, तो ये तो कुछ मेथड हो गए, कौन से, दिस इज दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर इंड्यूस्ड अबॉर्शन, कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन से मेथड्स यूज में करते हैं, क्या करने के लिए, इंड्यूस्ड अबॉर्शन करने के लिए। इतना ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड ट्राइमेस्टर मेथड्स फॉर द इंड्यूस्ड अबॉर्शन। नाउ इन केस ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर मेथड्स फॉर द इंड्यूस्ड अबॉर्शन, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की यहाँ पे हो जाता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है, वो तो यूज करते ही हैं, ठीक है, जैसे मिसोप्रोस्टोल हो गया, या जो वेजिनल टेबलेट है कौन सा, गेमप्रोस्ट, उसका तो काम वही होगा कि यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, सर्विकल जो है, ठीक है, उसको क्या बनाएगा, उसको वो राइपनिंग उसकी करता है। उसके अलावा जो अपने पास में RU486 है वो भी यूज होता है एंटी प्रोजेस्ट्रॉन। उसके अलावा देर इज वन सोल्यूशन दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सलाइन सोल्यूशन, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे 20% NaCl जो सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड वो यूज करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि आप यहाँ पे देखिए डायग्राम की हेल्प से, देखिए कि जो एमनियोटिक फ्लूड है यहाँ पे क्या कर दिया कि जो सॉल्यूशन था वो यहाँ पे क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। अब ये सॉल्यूशन क्या करेगा, काफ़ी सारे इसमें जो मेथड्स हैं कैसे काम करता है, पहला काम कैसे करेगा कि जो भी हाइपर टोनिक सोल्यूशन हो गया, तो जहाँ भी हाइपर टोनिक सोल्यूशन होगा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो वाटर है वो क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेगा, वाटर विड्रॉ कर लेगा, इसका मतलब क्या होगा, कहाँ से करेगा, फॉर एग्जांपल जो फीटस है या जो फीटस प्लेसेंटा है वहाँ से क्या करता है, धीरे धीरे वाटर विड्रॉ करना स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। सोल्ट होगा तो क्या होगा, पानी बाहर आएगा, ओस्मोसिस होगा, तो जो मेनली जो फीटल प्लेसेंटल यूनिट है उसमें क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन वहाँ पे हो जाता है, वहाँ पे डिहाइड्रेशन हो गया इसका मतलब क्या हो गया, फीटल क्या हो गई, डेथ हो गई, ये वाटर नहीं रहेगा तो जो भी रिएक्शन वो वहाँ पे नहीं होंगे, सेल्स वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो पाएंगी, तो धीरे धीरे क्या हो गया, जो फीटस है उसको जो भी नरिशमेंट वो नहीं मिल पाएंगे, ऑटो नहीं मिल पाएगा, तो जो फीटस है उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। उसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड अक्यूट सोल्ट पॉइजनिंग, ठीक है। तो यहां पे पहला काम क्या हो गया कि अक्यूट साल्ट पॉइजनिंग हो गया, किसका, फीटस का, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गया। उसके अलावा क्या करता है कि ये प्लेसेंटा जो सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन उसको सप्रेस करेगा, कौन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड क्या करता है कि जो भी
डेसिडुआ है वहां से क्या रिलीज होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा, तीसरा काम हो गया। फोर्थ क्या करता है कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा इट आल्सो क्या करवाता है, इट आल्सो रिलीजेस द ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। इतना ठीक है, तो काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, मेनली फोर फंक्शंस हैं हाइपरटोनिक सलाइन सॉल्यूशन के, जहाँ पे क्या क्या यूज होगा। फॉर एग्जांपल जो मेनली 20% NaCl सॉल्यूशन यूज होता है, तो पहला क्या करवाएगा, इट यू कैन से जो फैक्टर्स है इट सीम्स टू बी इन्वॉल्व, लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन लिबरेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन फ्रॉम द डेसिडुआ और द एंडोमेट्रियम, सेकेंड सेपरेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस फ्रॉम द प्लेसेंटा, थर्ड वन एक्यूट साल्ट पॉइजनिंग दैट लीड टू द डिहाइड्रेशन ऑफ द फीटल प्लेसेंटल यूनिट, फोर्थ वन रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। इतना ठीक है। सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जितना वहां पे रहेगा तो वाटर को विड्रॉ करेगा, फ्लूड विड्रॉ करेगा, तो जितना फ्लूड ड्रॉ करेगा जिससे क्या होगा कि जो यूटरस है वो क्या हो जाएगा, ओवर डिस्टेंशन हो जाएगा, उसमें स्ट्रेचिंग हो जाएगा, जिससे क्या है इजी एक्सपल्शन बाद में किसका हो जाएगा कि जो वहां पे फीटस है उसका क्या हो जाएगा, इजी एक्सपल्शन हो जाएगा। ठीक है, जो डेड वहां पे जो फीटल है, जो डेड फीटस है। ठीक है, सो दीज आर द सम ऑफ द मेथड्स ऑफ दिस हाइपरटोनिक सलाइन सॉल्यूशन। सो मेनली क्या होता है 20% NaCl वहां पे यूज होता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन मैंने बता दिया, ये तो कुछ मेडिकल मेथड्स हो गया, हाइपरटोनिक सलाइन सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, जिससे अक्यूट साल्ट पॉइजनिंग होगा फीटस को। अपार्ट फ्रॉम दिस सर्जिकल मेथड्स में क्या होता है, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, जहाँ पे क्या यूज करते हैं, जहाँ पे लेमिनेरिया टेंट्स जो सी वीड हैं उनको यूज करते हैं, जो सर्विकल होगा, ठीक है, जो सर्विक्स होगा इट विल बिकम वी कैन से डायलेट होगा, सॉफ्ट होगा, जिससे जो डेड जो फीटस है उसका इजी एक्सपल्शन, इजी इवैक्यूएशन वहाँ पे क्या है हो जाता है। सो दीज इज दी वेरियस मेथड्स यूज्ड इन दी सेकेंड ट्राइमेस्टर इंड्यूस्ड अबॉर्शंस। ठीक है, और ये सारे काम में नहीं आते हैं तो किसी केस में क्या होता है, लास्ट में हाइस्टेरेक्टोमी भी करना पड़ता है। हाइस्टेरेक्टोमी का मतलब समझ गए, रिमूवल ऑफ द यूटरस। ठीक है, लेकिन वो लो लास्ट में होता है और वो इतना वो वहाँ पे वी कैन से अभी यूज नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चांसेस हो जाते हैं मदर की डेथ होने के। इतना ठीक है। सो दीज आर दी वेरियस मेथड्स इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी एंड द सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी। ठीक है, एंड द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरियस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज।